कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है गलती किसकी। किसी नगर में एक नामी व्यक्ति का जन्मदिन था। उसने निश्चय किया कि वह अपने जन्मदिन के दिन किसी महान ब्राह्मण को भोजन खिलाएगा और उससे आशीर्वाद लेगा। उसने ऐसा ही किया। उसने एक ब्राह्मण को खाने पे आने का न्योता भेजा, लेकिन जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण ने कहा कि वो केवल बाहर धरती पर बैठकर ही भोजन करता है, वह घर के अंदर आकर भोजन बिल्कुल नहीं करेगा। व्यक्ति ने ब्राह्मण की बात मान ली और बाहर धरती पर आसन बिछाकर ब्राह्मण को भोजन करवाने लगा। उसी क्षण ब्राह्मण के सिर के ऊपर से एक चील मुंह में मरे हुए सांप को लेकर उड़ी। सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला था और उसके जहर की कुछ बूंदें ब्राह्मण के खाने में जा मिली, लेकिन ब्राह्मण को इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि उसके खाने में जहर की बूंदें मिल गई है। ब्राह्मण ने वो खाना खाया। जहर बहुत अधिक विषैला होने के कारण ब्राह्मण की खाना खाते ही मृत्यु हो गई। अब व्यक्ति को बहुत पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि उस पर अवश्य ही ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ेगा, क्योंकि उसके घर में एक ब्राह्मण का निधन हुआ है या फिर एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। वह व्यक्ति इसी सोच में डूब गया, लेकिन मरने के बाद का केस तो यमराज के दरबार में जाता है। पहुँचते पहुँचते ये केस यमराज के पास पहुँच गया। यमराज सबकी अच्छाइयों बुराइयों यानी कि पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं दोस्तों। अब यमराज ने पाप की फाइल खोली और ब्रह्म हत्या का पाप लिखने की बारी आई, लेकिन यमराज को समझ में नहीं आ रहा था कि गलती किसकी है और वो किसके खाते में इस पाप को लिखे। इसलिए यमराज ने उस फाइल को पेंडिंग कर दिया। फाइल पेंडिंग रखने के बाद बहुत समय बीत गया, लेकिन यमराज को समझ में नहीं आया कि गलती किसकी थी। एक दिन यमराज को भगवान का मैसेज आया कि उन्होंने एक फाइल को बहुत समय से पेंडिंग रखा है, वो उसका काम जल्दी से ख़त्म करे, नहीं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। ऊपर से आदेश मिलने पर यमराज घबरा गए और उन्होंने सोचा कि इस केस को तो मुझे जल्दी से जल्दी हल करना ही होगा। तो यमराज खुद धरती पर आ गए और उस व्यक्ति के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने एक औरत से उस व्यक्ति के घर का पता पूछा, तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए और मजाक बनाते हुए कहा कि महाराज, उस व्यक्ति का घर तो यहीं सामने है, पर ध्यान रखिएगा, वो ब्राह्मणों को खाने में जहर मिला के मारता भी है, कहीं वो आपको खाने में जहर मिला के आपकी हत्या ना कर दे। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यमराज को औरत का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा और वो उस व्यक्ति के घर में आ गया। जब यमराज उस व्यक्ति के घर में आया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति को इस बात का बहुत ही पछतावा है और वह पश्चाताप की आग में जल रहा है कि अनजाने में उसके हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई है, जिसका पाप उसे भुगतना पड़ेगा। यमराज थोड़ी देर तक चुप रहा और सोचने लगा कि सब पहलुओं की जांच की जाए। पहला, सांप। सांप की तो कोई गलती हो नहीं सकती, क्योंकि सांप तो बेचारा खुद ही मरा हुआ था। और रही बात चील की, तो चील का भी क्या कसूर, वो तो सांप में अपना भोजन ढूंढ रही थी। अब बारी आई उस व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति तो बेचारा पहले ही बहुत पश्चाताप कर रहा है कि कहीं उस पर पाप ना लग जाए। और अंत में वो ब्राह्मण, उस बेचारे ब्राह्मण का क्या कसूर, वो तो आया था न्योते पर भोजन करने, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसके खाने में जहर है, इसलिए उसने खाना खाया और मर गया। यमराज ने सोचा कि इन चारों में से वो किसके खाते में पाप की एंट्री करें। थोड़ी देर सोचने के बाद यमराज मुस्कुराया और अदृश्य होकर यमलोक में जा पहुँचा और उसने फटाफट फाइल में एंट्री कर दी और अपने पेंडिंग काम को पूरा कर दिया। ज़रा सोचिए दोस्तों, गलती किसकी थी।
चलिए मैं ही बता देती हूँ कि यमराज ने पाप को किसके खाते में एंटर किया था। दोस्तों, यमराज ने पाप को ना तो ब्राह्मण के, ना व्यक्ति के, ना सांप के और ना ही चील के खाते में एंटर किया, बल्कि पाप एंटर किया गया उस औरत के खाते में जो व्यक्ति के बारे में बातें बना रही थी और उसकी निंदा कर रही थी। मतलब यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे खाते में पाप एंटर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा सुनने से भी बचना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।